गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल द कपल स्किट। तो हम लोग फिर से आ चुके हैं केसारी जी की दुर्गा पूजा का न्यू सॉन्ग फिर से लेकर। गाने का नाम है झुलेरी मयरिया। जी बिल्कुल, झुलेली मयरिया मतलब खेसारी भैया का, और एक साथ खेसारी भैया का तीसरा गाना है क्योंकि दो गाना ऑलरेडी देवी गीत वो आ चुका है, ये तीसरा गाना है। तो दो जो उससे पहले आया था उसने तो तहलका मचा दिया था। अब देखना ये है कि ये तीसरा गाना कैसा होता है देवी गीत का जो है ना, क्योंकि आपको पता है कि दशहरा आने वाला है। तो जब भी कोई फेस्टिवल का सीजन आता है तो भोजपुरी में हमेशा उससे पहले मतलब उस सीजन के से रिलेटेड गाना बनता है, मतलब देवी गीत बनता है ना। तो देखते हैं कि ये गाना होता कैसा है और आई होप कि ये अच्छा होगा और आपने सुनी लिया होगा। नहीं सुना होगा तो मेरे साथ सुनो और मजा आने वाला है। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं और सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। वेस्ट भोजपुरी प्रेजेंट सबका नाम ले लिए। ओहो क्या बात है, बहुत बढ़िया कोशिश। पीछे वो बहुत अच्छा मूर्ति लग रहा है। ओहो व्यास हाँ।
हाँ ये बात तो है। क्या बात है। तो ये है गाना, बहुत ही प्यारा गाना था और मतलब स्लो मोशन का था, मतलब एकदम शांति वाला गाना। लेकिन बहुत दिन बाद खेसारी भैया बैठे थे तो उसका एक अलग ही मजा आता है जब कोई सिंगर लेके बैठता है तो वो फील होता है कि नहीं वो तहलका मचाने वाला है। और बढ़िया गाना था, मजा आया होगा। लेकिन एक चीज समझ नहीं आया कि वो जो नया लड़की थी वो कौन थी, पता नहीं वो जो डांस कर रही थी, मतलब किसको ले लिए थे, वो नहीं समझ में आ रहा था। वो शायद कोई नई थी, इससे पहले तो नहीं देखे हम लोग, इतना सारा गाना बना चुके हैं बट उसको नहीं देखे थे। नाम तो ऐसा कुछ प्रिया सुहानी बताया जा रहा है, पता नहीं आप लोग अगर जानते हो तो प्लीज कमेंट करके बताना, है ना। तो अभी फिलहाल गाने की बात करें तो एकदम पैसा वसूल गाना था, बढ़िया गाना था। और भर भर के प्यार तो अच्छा रिस्पॉन्स दो, एकदम मिलियन हिट करवा दो उनको भी, और हमको भी प्यार थोड़ा बहुत दे दो सब्सक्राइब करके। तो अभी तुमसे पूछेंगे कि तुम्हें कैसा लगे ये गाना। न्यू एक्ट्रेस थी वो भी अच्छी लग रही थी थोड़ा, और उनका फेस वो ज़्यादा स्लो मतलब लग रहा था, और मतलब वो अच्छा कर सकती थी। गाना बहुत अच्छा था, लिरिक्स बहुत अच्छा था, अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो आपको तो पता है कि जब भी गाना अच्छा होता है तो उसके बारे में हम बताते ही बताते हैं, पर इस गाने में खेसारी भैया पहले ही सबका नाम ले चुके हैं और सबके बारे में पहले ही बता दिए हैं। तो फिर भी आपको बता देते हैं कि एल्बम जो है, मतलब गाने का नाम था झूलेली मैरिया था, सिंगर अपना खेसारी भैया, कोई फीमेल नहीं थी, लिरिक्स अपना कृष्णा बेदर्दी जी थे, उनका नाम ले चुके हैं। म्यूजिक जो है वो अंजलि सिंह ने दिया है, मिक्स मास्टर जो मिक्स किया है वो टिंकू तूफान केसरी, कंपोजर जो है वो कन्हैया कुमार यादव है, और जो इसमें एक्ट्रेस थी वो प्रिया सुहानी थी। नहीं जानते हैं भाई उनको हम लोग, है ना। तो बताना कमेंट करके, है ना। तो आई होप कि आपको मजा आया होगा, हमके हमारे साथ देखने में आपको मजा आता ही होगा, तभी आप इतना अच्छा प्यार और अच्छा रिस्पांस देते हो। तो प्लीज सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करके 20K करवा दो ताकि एकदम मजा आ जाए और हम लोग भी केक कट करें साथ में मिल के, है ना। तो चलिए अब ज्यादा बात करके आपको पकाएंगे नहीं और सीधा मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।